गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है जी? आप सभी के कैसे हैं? आप सभी लोग, सभी का स्वागत है दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे आप सबको आवाज साफ आ रही है तो मैं सेशन को जो है स्टार्ट करता हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का स्वागत है। देखिए, आपकी आज जो शाम 7 बजे वाली स्पेशल क्लास थी वो बहुत स्मूथली नहीं चली थी, उसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी, आई अंडरस्टैंड। और स्पेशली उसका आखिरी एक दो क्वेश्चन के समय ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, फिर भी मैंने कोशिश करी थी आपको अपने मैसेजेस कन्वे करने की, कमेंट करके, पिन करके। आई होप वो आपको मिले होंगे। एंड देखिए, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, हमारे मतलब आपके, मेरे या इन जनरल किसी के, तो उसमें बस अपने को अपना बेस्ट देना होता है। उसके बाद चीज़ें ना चली तो चीज़ों को कंक्लूड करना होता है, एंड इसलिए वो क्लास मैंने जो है एंड में कंक्लूड कर दी थी। और वो जो आखिरी वाला सरकासो सी वाला क्वेश्चन था वो, या बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको आने वाली क्लास में मैं कराऊंगा, ठीक है? और आप इस क्लास को लगा सकते हैं अगर आपकी पिछली सभी क्लासेस इनकम्प्लीट है तब भी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा वो इंटर रिलेटेड नहीं है, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे आप, इस क्लास में जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो इंटर रिलेटेड नहीं है दूसरी क्लासेस से, तो आप इस क्लास को अफ्रेश यहां से लगा सकते हैं, ठीक है? बाकी जो है ये क्लास आपकी करीब 1.25 घंटे के आसपास जो है चलेगी, और इसके बाद जो आपकी क्लास होगी, इसके बाद मैं आपको एक लंबा ब्रेक दूंगा। आने वाले दिनों में अभी आपकी क्लास नहीं होगी, अब इसके बाद आपकी क्लास जो है वो अभी अपना फ्राइडे है ना, नेक्स्ट वीक में होगी, नेक्स्ट वीक के एंड में होगी, बट वो क्लासेस जो है मैं आपको शो करा दूंगा जल्दी ही, ठीक है? अभी तो देखिए वीकेंड है, कल परसों है ना ये, इसके बाद जो है मंडे जैसे ही आएगा, मंडे ट्यूसडे में आपको वो क्लासेस जो है वहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों? ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी जा रही है जिससे कि आपको परेशानी या घबराहट ना होगी, सर क्लासेस क्यों नहीं शो हो रही, वो क्लासेस आपको शो हो जाएंगी, आप चिंता ना करें। देखिए वो क्लास जो है करीब मैं आपकी 3-4 तारीख के आसपास लूंगा। एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें लगेगा सर ये तो ब्रेक, लंबा ब्रेक हो गया, ये जो है 4-5-6 दिन हम क्या करेंगे, कितनी क्लासेस और बची है, ऐसे मन में आपके बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। ये मत सोचिए कितनी बची है, ये सोचिए कि कितनी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 23 क्लासेस दोस्तों अगर मैंने आपकी ली है, जिसमें एक या दो क्लासेस ऐसी थी जो नहीं चली थी जब ये नया नया इंटरफेस चेंज हुआ था, तो उस क्लास को छोड़ के आप देखोगे तो बहुत सारा कंटेंट है आपके पास याद करने को और रिवाइज करने को, है ना? तो वो जो छुट्टियां हैं सो कॉल्ड 4-5 दिन की, वो छुट्टियां नहीं है, वो बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करने के लिए और इस सब्जेक्ट के नोट्स को कंप्लीट करने के, पेंडिंग चीजों को पूरा करने के, इन सब चीजों के लिए दी जा रही है, ठीक है जी? अपडेट सेक्शन में पीडीएफ आपके लिए 5 ईयर प्लान वाली अभी मैंने नहीं डाली है, वो इस क्लास के बाद डालूंगा, और ये अमेंडमेंट वाली जो पीडीएफ है ये भी मैं इस क्लास के बाद डालूंगा, ठीक है? आप चिंता ना करें, वो मुझे याद है, मैंने उस समय इसलिए नहीं डाली, मैंने कहा दोनों फाइलें मैं एक साथ आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। इस क्लास में डाउट सेक्शन बंद रहेगा, ऐसा करने का हक मुझे किसने दिया, क्योंकि पिछली क्लास के सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए थे, तो मुझे अच्छे से पता है कि कोई बहुत लंबा चौड़ा पेंडिंग डाउट अब नहीं बचा है, बिकॉज सारे ही डाउट्स ले लिए गए थे। तो इस क्लास के जो डाउट सेक्शन है उसे मैं बंद रख रहा हूँ, जितने ऑलरेडी आ गए हैं उन्हें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और इस क्लास के नोट्स आप जो है लाइव नहीं बनाएंगे, लाइव नोट्स नहीं बनाएंगे, जैसा कि आपने 5 ईयर प्लान में करा था। तो आई होप आपको फायदा हुआ होगा उस क्लास से, कि जो है चीजें आप सीखे हैं, आप अगर उस समय लिखते रहते तो आप कुछ भी सीख ना पाते। तो मैं इस क्लास के नोट्स भी आपसे लाइव नहीं बनवाऊंगा, इसके नोट्स आप चाहें तो बाद में बना सकते हैं, और चाहें तो आप क्लास की ये जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा अपडेट सेक्शन में, आप सिंपली जो है उसे डाउनलोड करके मल्टीपल रिविजन्स दे सकते हैं। अगर आप इसके नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जो फाइल मैंने आपके लिए तैयार करी है ये अपने आप में सक्षम है आपके रिविजन को कराने के लिए, आप इससे जो है रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, देखिए 15 से 20 सेकंड का लैग रहेगा, हम सब जानते हैं लैग एज इन मतलब हमारे बीच में गैप चलेगा, तो अगर आप उस बीच में कमेंट्स करते रहेंगे या आगे पीछे की बातें पूछते रहेंगे या फिर अपने दुख दर्द शेयर करते रहेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो मेरे पास मैसेज लेट आएगा, फिर मैं आपको बोलूंगा, आपके पास आएगा 15-20 सेकंड के बाद। तो इट्स बेस्ट कि आप अच्छे से क्लास को लगाएं कमेंट सेक्शन को इग्नोर करते हुए, जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक कमेंट करने से बचिए, और थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, आपस में एज अ ग्रुप काम करने की जगह इंडिविजुअल बेसिस पे, वन ऑन वन इंटरेक्शन पे फोकस करिए, कि आप सीखने आए हैं मैं आपको सिखाने आया हूं, ठीक है जी? 5 ईयर प्लान का पीडीएफ आपको मिल जाएगा आज रात 12 बजे से पहले, चिंता ना करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। देखिए टोटल कितने अमेंडमेंट्स अब तक हो चुके हैं, अगर आप टोटल अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, टोटल अमेंडमेंट्स एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो वो है 106, टोटल 106 अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं, 107वां अभी नहीं हुआ है तो 106 ही है एज ऑन डेट। तो ये 106 में से क्या आपको सारे पढ़ाए जाएंगे? नो, जैसा कि टाइटल है वैसा ही पढ़ाया जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। मैं अपनी तरफ से सारे अमेंडमेंट्स आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वो पढ़ाऊंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, डाउट्स
कृपया होल्ड पे डाल दीजिए। अब कमलेश जी, ये डाउट पिछली क्लास में एड्रेस कर दिया गया है, इसका मतलब आपने पिछली क्लास नहीं देखी है। जिस भी बच्चे को पिछली दो एक दो क्लासेस या उसके अलावा किसी क्लास में दिक्कत आ रही है, कृपया अनअकैडमी की टेक्निकल टीम को मैसेज करिए, क्योंकि ये चीज मैं चाहकर भी इधर से ठीक नहीं कर सकता। अगर कुछ भी ठीक नहीं होगा तो उस केस में मैं कोशिश करूंगा कि जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दैट क्लास है उसके नोट्स में आपको अपडेट सेक्शन में खुद लिख कर, टाइप कर कर या किसी भी तरीके प्रोवाइड करूंगा। बट इससे पहले मैं चाहूंगा आप सब लोग ट्राई करें, किसी तरीके आपका वही वाला वीडियो चल जाए, आप मैसेज करिए, मैं भी अपनी तरफ से एक बार मैसेज दे दूंगा। फिर भी नहीं चलता तो वो वाले नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब सभी लोग कमेंट सेक्शन को खाली करेंगे, मोहब्बत से आपको समझाया जा रहा है, अपना खुद का नुकसान मत करिए, ठीक है। जिसे दिक्कत आ रही है, डेटा खत्म हो गया, ये वो सेम सेम बातें रोज मत करिए। आप क्लास में आए हैं तो सीखने पर फोकस करिए और सारी बातें बेकार की, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत है, रिकॉर्डिंग देखिए, अगर काम चला सकते हैं तो लाइव देखिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, टाइम कम है, टाइम जरूरी है, टाइम इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, तो उसे पढ़ाई में फोकस करने में लगाइए, ना कि बाकी बातें जो सेम सेम हम रोज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा दूसरे तरीके समझा दिया है, तीसरे तरीके आप ना ही समझे तो बेहतर है, क्योंकि वो फिर मेरा थोड़ा सा गुस्से वाला रूप हो जाता है, वहां तक आप ना जाएं तो बेहतर है। अपना नुकसान मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कोई पूछे एज ऑन डेट कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो जी 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। अब इसमें अपने को क्या ध्यान देना है, एक तो दोस्तों ये जो 100 से 106 वाले हैं ये तो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे ना, बिकॉज ये लेटेस्ट है, काइंड ऑफ करंट अफेयर्स, ये वो, तो ये तो अपने को ऑल पढ़ने हैं। और इससे पहले के जो है 1 से लेकर 99 तक, इसके अंदर अपने को पढ़ना है ओनली इंपॉर्टेंट। तो ये स्ट्रेटेजी मैं अपनाऊंगा इस क्लास में, यानी जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊंगा शुरू के 100 में से, और जो आखिरी के 5-7 है वो सारे पढ़ा दूंगा, कि अगर वो 104, 103, 106, 105, 102 कुछ भी पूछे आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है जी। शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। देखिए ये फाइल आपको मिल जाएगी अपडेट सेक्शन में, आपको कुछ भी नहीं लिखना, कृपया करके पेन कॉपी को साइड कर दीजिए और सिर्फ फोकस करिए क्लास में, कुछ नहीं लिखना अपनी कॉपी में भी नहीं, कमेंट सेक्शन में भी नहीं। मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करूंगा सिर्फ वहीं पे फोकस करना है क्लास में, जब बाद में अपने नोट्स बनाएंगे या पीडीएफ को पढ़ेंगे तब बाकी चीजें रीड कर लीजिएगा। मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, बिकॉज सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पेपर पूछता है या अभी तक पूछता हुआ आया है सिर्फ वही चीजें आपको बताई जाएंगी, बाकी चीजों को मैं इग्नोर करूंगा, आप खुद चाहे उसे पढ़ सकते हैं, मैं फाइल में ऐड करके आपके लिए छोड़ रहा हूं। देखिए पेपर सीधा पूछता है अमेंडमेंट के बारे में एक दो बातें। सबसे पहले अमेंडमेंट कब हुआ, ये वाले सवाल आते हैं। जैसे पूछेगा जी पहला अमेंडमेंट कब हुआ, ऑप्शन में होगा 1951, टिक करके आगे बढ़िए। दूसरे नंबर का सवाल आता है कि कोई काम लिख के दे देगा कि बताओ जी 9th स्केड्यूल ऐड हुई तो वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई या फिर कौन से ईयर में ऐड हुई। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी अमेंडमेंट को पढ़ना है तो एक तो उसके ईयर पे फोकस करना है और एक इंपॉर्टेंट वर्क पे फोकस करना है, यानी क्यों वो अमेंडमेंट लाया गया था, सिर्फ ये दो चीजों पर आपको फोकस करना है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 44th अमेंडमेंट कब आया तो आपको पता होना चाहिए 1978 में आया। इस तरीके के सवाल आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों पहली जो पहला अमेंडमेंट है, संशोधन है, वो आया था 1991 में, 1951 में। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर डब्बे बनाते चलूंगा, पहले वो पढ़ लेना फिर जो चाहे पढ़ लेना। बाकी मैं अपनी वीडियो को छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, जिससे कि आप कंटेंट पे फोकस कर सके। बड़े ही मन से पढ़ा रहा हूं, मन से पढ़ लेना क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बीच में कॉमेंट मत करना कुछ भी हो जाए, जब तक एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट ना हो तब तक मत करना। पहला अमेंडमेंट जो है वो आया है 1951 में और इसमें 9वीं अनुसूची को ऐड करा गया है। 9वीं अनुसूची जुड़ी है किस चीज से, लैंड रिफॉर्म से। जो कीवर्ड बताए जा रहे हैं सबसे पहले वहां फोकस करिए, उसके बाद जो चाहे पढ़ सकते हैं। 9th स्केड्यूल 9वीं अनुसूची को ऐड करा गया था पहले अमेंडमेंट से, जो कि आया था 1951 में, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां पर मुझे नहीं लगता कुछ भी इंपॉर्टेंट है, बाकी खुद चाहे आप पढ़ सकते हैं। 9th स्केड्यूल ऐड करा गया है पहले संशोधन में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा अमेंडमेंट जो है, थर्ड अमेंडमेंट जो है वो आया है 1954 में और ये क्या है जी, इट एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड स्टफ कैटल फॉडर रॉ कॉटन दिस दैट। ये क्या है, देखिए कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों, क्योंकि लोग होर्डिंग कर लेते थे। होर्डिंग क्या होता है जी, मान लेते हैं प्याज की मैं होर्डिंग कर लेता हूं तो क्या करूंगा, मान लेते हैं अभी मार्केट में प्याज है 10 रुपए किलो, मैं क्या करूंगा मार्केट से सारे प्याज खरीद लूंगा या 70% प्याज खरीद लूंगा, तो क्या होगा मार्केट में प्याज कम दाम ऊपर, यही प्याज हो जाएंगे 50 रुपए किलो। अब क्योंकि मार्केट में और किसी के पास प्याज नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अपने पास जो मेरा स्टॉक रखा था उससे मार्केट के अंदर सप्लाई करके ह्यूज प्रॉफिट कमाऊंगा, क्योंकि मैंने खरीदे तो थे 10 रुपए किलो में, अब मैं बेचूंगा उसे 40 रुपए किलो या 50 रुपए किलो में, तो मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। अब ये टेक्निकली इलीगल नहीं है,
क्यों इलीगल नहीं है? बिकॉज मैं एक डे पे एक परचेस कर रहा हूँ, एक डे पे एक सेल कर रहा हूँ, बट ये गलत है। तो इस गलत चीज को रोकने के लिए ही ये थर्ड अमेंडमेंट पे चीजें ऐड करी गई थी। जो चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, उस चीज की होर्डिंग करना गलत है, इलीगल है। इनफैक्ट इससे कभी कभार लोग इलेक्शन भी जीत हार जाते हैं कि इलेक्शन से ठीक पहले आप देखेंगे सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। तो काफी बार वो इलीगल होर्डिंग की वजह से भी होता है, कुछ बार नेचुरल रीजंस भी होते हैं, डिमांड सप्लाई मैच नहीं हो पाती, बट कई बार जो है वो सिंपली पब्लिक को परेशान करने के लिए करा जाता है, जिससे कि पब्लिक दूसरी पार्टी को वोट दे दे। तो ऐसी चीजों पर रोक लगाने के लिए थर्ड अमेंडमेंट करा गया था इन द ईयर 1954। याद रखेंगे थर्ड अमेंडमेंट में क्या करा गया है, ये होर्डिंग वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर रोक लगाई गई है, यानी प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऐसी चीजों का जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है वो कंट्रोल करी जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा। किसी को देखने में हैरानी ना हो, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। मैंने दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये सब हटा दिए हैं, आप पढ़ना चाहें इसे खुद पढ़ सकते हैं। सेवेंथ अमेंडमेंट आया था 1956 में, सत्ते पे सत्ता करके क्लास में आपको कई बार बताया गया है, और इससे जो फोर कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन था, ये जो पार्ट ए बी सी डी स्टेट्स थे, ये सब आपको बता चुका हूँ, ये सब हट गए थे, और इन चारों चीजों को, पार्ट ए बी सी डी को रीऑर्गेनाइज करा गया और बनाए गए 14 नए राज्य और 6 नए केंद्र शासित प्रदेश। ये आपके पेपर के सवाल हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा क्योंकि यूटीज हैं, अब यूटीज को कौन कंट्रोल करेगा, तो हाई कोर्ट ही उन्हें कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़, अब चंडीगढ़ को तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट कंट्रोल करेगा, या जैसे लक्षद्वीप का हमने पढ़ा था, या फिर हमने अंडमान निकोबार का पढ़ा था, तो ये सब चीजें किसी के तो कंट्रोल में आएंगी। तो हाई कोर्ट्स जो हैं उन्हें उसका भी कंट्रोल जो है दे दिया गया, साथ में प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स, जैसे पंजाब हरियाणा है, या फिर इन जनरल और कोई है, उसमें क्या है जी, दो या दो से अधिक राज्य जो है उनका एक सिंगल हाई कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। ये दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पेपर कैसे पूछेगा, पेपर पूछेगा विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, ये पूरा स्टेटमेंट देगा, ऑप्शन में दे देगा पांचवा, सातवा, नौवा, दसवा, और आपको बताना होगा कि सातवा अमेंडमेंट एक्ट था, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स। यहां से आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, पहला पार्ट ए बी सी डी खत्म करके 14 राज्य 6 यूटी बनाई, दूसरा हाई कोर्ट को यूटीज का भी कंट्रोल दे दिया, तीसरा दो या दो से अधिक राज्यों पर भी एक सिंगल हाई कोर्ट कंट्रोल कर सकता है। नाइन्थ अमेंडमेंट 1960, ये नहीं पढ़ाऊंगा, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी के बारे में कभी सोचते हैं तो इस बारे में पढ़िएगा, क्लासिक कुछ केसेस होते हैं पॉलिटी में, जिसमें से एक ये है, ये बेरुबरी केस जो आप अपने सामने लिखा देख रहे हैं। बस आपको क्या करना है, ये नाम ध्यान रखना है कि ये जो एरिया है ये फैसिलिटेटेड द सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ दिस टू पाकिस्तान एज प्रोवाइडेड इन इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट ऑफ 1958, ठीक है जी। नाइन्थ अमेंडमेंट ऑफ 1960 है, और बेरुबरी वर्ड आप बस ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा एसएससी नहीं मांगता। सलोनी जी ये सब चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं पिछली क्लासेस में, आप एक बार प्लीज चेक करिए, ठीक है जी। टेंथ अमेंडमेंट 1961, अब ये वो बातें आ गई दोस्तों जो हम पहले भी कर चुके हैं, पहले हमने करी जब हमने पढ़ा कि स्टेट्स कैसे बने, यूटीज कैसे बनी, अब हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, रट्टे मार रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता चुका हूं कि दादरा नागर हवेली जो है वो पहले भारत का हिस्सा बना था, ये सब बातें हम कर चुके हैं, बस फाइल में ऐड इसलिए करा गया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। टेंथ अमेंडमेंट ऑफ 1961 के तहत ये हुआ था, ध्यान रखेंगे, दादरा एंड नागर हवेली को भारत का हिस्सा बनाया गया था। इसी तरीके दोस्तों गोवा, दमन एंड दीव को जो है 12th अमेंडमेंट के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया था, और दोस्तों 14th अमेंडमेंट के तहत पुडुचेरी को भारत का हिस्सा बनाया गया था। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ सोचें तो हम कह सकते हैं कि 10वां, 12वां और 14th, ये आया है 1961 में, ये आया है 1962 में, ये भी आया है 1962 में। ये है दादरा एंड नागर हवेली, ये है गोवा और दमन एंड दीव, और ये जो है अपना ये है पुडुचेरी। एक मिनट रुकिए प्लीज, चार्जर मैं ऑन कर लेता हूँ। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, इन्हें एक साथ भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। दादरा नागर हवेली 10वां, गोवा दमन एंड दीव 12वां, पुडुचेरी वाला जो है वो 14th है, आप इसे ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है जी। फिर से बता रहा हूँ, 10th में दादरा नागर हवेली भारत का हिस्सा बना, 12th में गोवा और दमन एंड दीव, और 14th में जो है पुडुचेरी बना, ठीक है जी। इसके अलावा ये सब बातें आप दूसरा पॉइंट छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। 13th अमेंडमेंट, नागालैंड बिकेम अ स्टेट, गेव द स्टेटस ऑफ अ स्टेट टू नागालैंड, ध्यान रखेंगे आप, स्टेट बन गया नागालैंड 13th से, जो कि 1962 में आया है।
एक बार बीच में रुक के आपको थोड़ा सा जगा देता हूं मैं। आज की क्लास नो डाउट मुश्किल है, बट इसे इससे ज्यादा आसान नहीं बनाया जा सकता। आप दुनिया की कोई भी क्लास देख लीजिए, ये एंड में बच्चे को खुद ही याद करना पड़ता है। हमने भी अपने लिए खुद ही याद करा, आपको भी अपने लिए खुद ही याद करना पड़ेगा। मैं बस यहाँ पर जो कर रहा हूँ ये है कि आपको चीजों से थोड़ा सा रूबरू करा रहा हूँ, जिससे कि आपको नया नया ना लगे। जो एफर्ट है वो खुद ही लगाना पड़ेगा इसे याद करने के लिए। कोई कितना भी बता दे, समझा दे, जब तक खुद नहीं बैठेंगे पढ़ने तब तक ये याद नहीं होगा। और प्लीज ट्रिक्स मत बनाइएगा, ट्रिक्स आर वेरी रिस्की इन दीज थिंग्स। आप सोचे कि मैं 13 को किसी अक्षर से एसोसिएट कर लूं, रिस्की हो जाएगा, थोड़ा सा नुकसान पेपर में दे सकता है। ठीक है जी, हमने अभी तक जो डिस्कशन करा है वो कर लिया है फर्स्ट से लेकर हमारा 14 तक का। एक बार क्विक मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। देखिए, आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो पहले वाला है वो आया था 1951 में, और उसने क्या करा है, 9वीं अनुसूची को ऐड करा है, और उसमें लैंड रिफॉर्म से एसोसिएटेड कोई बात करी थी। तीसरे वाला जो हमारा है, इसने कहा था जी वो जो होर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट चीजों का, वो कंट्रोल करा जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। उसके बाद 7वें नंबर पे हमारा आ गया था कि पार्ट ए बी सी डी स्टेट्स खत्म करके 14+6 बनाए गए थे, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा इसमें कहा गया, क्योंकि अभी ताजी ताजी यूटी बनी है ना, तो यूटी का कंट्रोल किसी के पास जाएगा, तो यूटी का कंट्रोल जो है वो किसी स्टेट के हाईकोर्ट के पास जा सकता है। इसके अलावा स्टेट 1 और स्टेट 2 का कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है। ये सारी बातें जो करी गई है 7th के अंदर करी गई है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। 9th वाला जो है वो बेरुबरी केस से एसोसिएटेड है, कुछ इंडो पाक एग्रीमेंट हुआ था 1958 का, उससे एसोसिएटेड है, ध्यान रखेंगे। 10th नंबर, 12th नंबर, 14th नंबर। 10th है दादरा एंड नागर हवेली, ये है गोवा और दमन दीव, और ये हमारा है पुडुचेरी। थोड़ी सी मदद मैं आपकी करना चाहूंगा, ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी सी मदद करता हूँ। देखिए, इन तीनों में अगर आपको कंफ्यूजन है तो ध्यान रखेंगे, पुडुचेरी में चार हिस्से आते हैं, कौन कौन से, कराईकल, माही, येनम और खुद पुडुचेरी। पुडुचेरी है ना, पौंडीचेरी बोले या पुडुचेरी बोले, वैसे पुडुचेरी ऑफिशियली, लेकिन लोग वहां के पौंडीचेरी ही बोलते हैं आज आज भी। तो चार नाम है ना, तो ये चार वाला आएगा, यानी 10, 12, 14 में चार वाला आएगा। यहाँ पर दो एरियाज की बात करी जा रही है ना, गोवा और दमन दीव, तो यहाँ पर दो वाला आएगा, और तीसरे वाला जो हो गया अपना दादरा एंड नागर हवेली हो गया। ठीक है जी, आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। इससे ज्यादा ट्रिक मैं नहीं बनवाऊंगा, वरना वो पेपर में धोखा दे देगी, बैकफायर हो सकता है। अभी तक हमने देखा पहला 9वीं अनुसूची, तीसरा देखा वो एसेंशियल आइटम्स वाला, 7वां देखा स्टेट, दो स्टेट्स का एक हाई कोर्ट और यूटी का हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट का के पास यूटी का कंट्रोल, 14+6। 9th वाला है बेरूबरी, 10वां है दादरा नागर हवेली, 12वां क्योंकि दो चीजों की बात है, गोवा और दमन दीव, 14 नंबर पे पुडुचेरी क्योंकि पुडुचेरी के चार हिस्से हैं, कराईकल, माही, यनम और खुद पुडुचेरी। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आई होगी। मैं आपको 15-20 सेकंड का छोटा सा ब्रेक देना चाहूंगा, आप कुछ कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या सीन है। मैं बहुत खुश हूं, जब देखिए खुश होता हूं तो भी साफ बोलता हूँ, जब गुस्सा आता है तो भी साफ बताता हूँ कि आप सिंसियरली चीजों को सुन रहे हैं। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी, क्योंकि आप समझदार हैं, आपको पता है कि कब आपको मजाक नहीं करना, दिस इज इंपॉर्टेंट है ना। एक बार आप कॉमेंट करके मुझे बताइए कि चीजें आपको समझ में आ रही है, इज एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। मैं पानी पी लेता हूँ जी जब तक। चलिए, आ रहा है समझ, बहुत बढ़िया। चलो जी, मैं अब अपनी वीडियो को फिर से छोटा कर रहा हूं और आगे चल रहा हूं। अब जैसे आपने अभी तक के अमेंडमेंट समझे हैं, ऐसे ही बाकी अमेंडमेंट को भी आप समझिए, ठीक है। चलिए, 15वें अमेंडमेंट पे चलते हैं, ध्यान दें। 15th अमेंडमेंट ऑफ 1963, फिर से उसी जोन में चले जाएंगे, मिस्टर इंडिया बन जाएंगे, कमेंट सेक्शन से गायब हो जाएंगे। 1963 में आया 15th अमेंडमेंट, और इस अमेंडमेंट में कई सारी बातें हुई, जिसमें हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले ना हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो 60 साल में रिटायर होते थे, आजकल तो हमें पता है 62 साल में होते हैं हाई कोर्ट के, 65 साल में होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और अब 62 साल जो बना है ये बना है 15वें अमेंडमेंट से, ध्यान रखेंगे 15वें अमेंडमेंट से बना है ये, 60 से 62 वाला, यानी इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 years, और साथ में हाई कोर्ट जज को कभी कभार एक्टिंग जज भी बनाया जा सकता है। समझाया था ना वो केस की, भाई अगर कोई रिटायर हो भी गया है बट कोई बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है किसी पर्टिकुलर मसले में, और तो उन्हें चाहे तो एडहॉक जज या एक्टिंग जज जो है बनाया जा सकता है। ये यहां पर भी आप देखेंगे बात, एनेबल्ड द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट टू एक्ट एज एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखेंगे। यानी जो 15th है ना, आप नोटिस करो, देखो कमाल की बात बताता हूँ। पहला पॉइंट हाई कोर्ट, दूसरा पॉइंट कोर्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सब कोर्ट की बात हो रही है। यानी जो 15वां है, 15th है,
अमेंडमेंट, ये जुड़ा ही कोर्ट्स से है, यानी अगर थोड़ा बहुत पेपर में फंसो तो ध्यान रखना, जो 15वां वाला है ना, ये 1963 वाला, ये कुछ ना कुछ कोर्ट की बात कर रहा है। अगर इतना भी दिमाग में बिठा लोगे तो तुक्का मारना आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी बातें तो हमें पता है, वी नो कि ये सही बात है, वी नो कि ये भी सही बात है, ये सब चीजें हमें पता है आराम से, इसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं, ये भी हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है जी, आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, पहला पॉइंट एनेबल द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं एक हाई कोर्ट है जिसके कंट्रोल में आता है महाराष्ट्र, अब कोई प्रॉब्लम हो गई महाराष्ट्र में, लेकिन जब पता लगा तो उस इंसान का ट्रांसफर हो गया और वो ट्रांसफर होकर पहुंच गया दिल्ली, है ना। अब वो दिल्ली पहुंच गया तो क्या उसके खिलाफ रिट इशू करी जा सकती है, पहले नहीं करी जा सकती थी बट अब करी जा सकती है। कब क्यों करी जा सकती है, बिकॉज 15th अमेंडमेंट के तहत ये पॉइंट ऐड करा गया है कि भले ही वो इंसान अब हाई कोर्ट के कंट्रोल में नहीं है ज्यूरिस्डिक्शन वाइज, बट क्योंकि जो इशू था वो टेरिटरी के अंदर था, इसलिए रिट्स इशू करे जा सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को। यानी ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये कोर्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है जी, कृपा जी क्लास नंबर 1 से आपको पूरा कोर्स देखना है, आप सब चीजें खुद ही समझ जाएंगे, जो आपके सवाल है उनके आंसर ऑलरेडी इस कोर्स में दिए गए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल वगैरह है वो सब मैं आपको तैयार करा रहा हूँ, आज की क्लास में अमेंडमेंट तैयार करा रहा हूँ। अगर आप एक सैंपल लेना चाहें क्लास का कृपा जी, तो आप इस क्लास को अटेंड करिए, करीब 15 मिनट आप समझ जाएंगे। ठीक है, लैग आ ही गया है। मैं वेट कर रहा हूं, जैसी चीजें ठीक हो आप मुझे बताइएगा। क्या अब पहले से चीजें ठीक हैं, एक बार बताएं मुझे, क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आपको वीडियो जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है, कंफर्म कीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, अब ओके है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाते हैं जी वापस। 15th अमेंडमेंट जो है वो जजेस से एसोसिएटेड है, ये इन शॉर्ट ध्यान रखना है आपको अपने प्यारे से दिमाग में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आ जाते हैं 21st अमेंडमेंट एक्ट, ये मैं याद करा चुका हूं, याद है ना दोस्तों वो मेरी बातें, 21 + 71 = 92, नहीं याद तो कोई क्लास मिस हुई है, जब मैंने आपको ये 8th स्केड्यूल पढ़ाया था तो वहां पर ही आपके नोट्स में सिंधी ये सब बातें लिखी हैं, तो जबरदस्ती अब इस पे लोड नहीं लेना, ये पेज हमारा ऑलरेडी तैयार है, लोड लेना ही चाहे तो रिविजन के समय बस इस पर फोकस कर सकते हैं कि 67 में आया और सिंधी भाषा को ऐड करा गया था, बाकी हमें ऑलरेडी आता है, जबरदस्ती के दुख अपने सिर नहीं पालने हैं। 22nd अमेंडमेंट एक्ट, रुको एक मिनट रुको, चिंता मत करो वापस आऊंगा डेटा पे। ऐसे ही 71st अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 का दोस्तों, उसने ये तीन भाषाओं को ऐड करा, नेपाली, कोंकणी और जो है मणिपुरी, इन्हें ऐड करा और टोटल हो गई हमारी 18, ये सब भी आपको बताया जा चुका है, इसमें भी कोई स्ट्रेस नहीं है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे भाग रहा हूँ जिससे कि ये मतलब एक जो सिंगल बार में चीज हम पढ़ सकते हैं वो आपको मैं सिखा दूं, रुकिए इसके बाद कहाँ गया जी हमारा 92nd, प्लीज वेट करिए, हाँ ये रहा, देखो जी चार और भाषा ऐड हो गई, बोडो, डोगरी, संथिली और मैथिली, और टोटल भाषाएं हो गई 12। ठीक है, 92nd वाला, यानी ये तीनों मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिया, आपको जब फाइल पढ़नी है तो उसमें फोकस करना है कि ये 2003 का है, कौन सा कब का है। ठीक है जी, ये आप समझ गए, कोर्ट वाले में प्रतिभा जी आपको बस इतना ध्यान रखना है 15वें अमेंडमेंट में कि जो भी मसले हैं 15वें में वो सब हाई कोर्ट या इन जनरल कोर्ट से एसोसिएटेड है, जैसे कि एज को इंक्रीज करना 60 से 62 साल, रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करना हाई कोर्ट्स में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, या फिर रिट्स इशू करना ऐसे एरिया में जो आउटसाइड द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है, इन केस वो जो प्रॉब्लम है वो हाई कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर हुई है। चलो जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 21st of 1967 से बात शुरू हुई थी, इसी से अब मैं आगे बढ़ता हूं। 21st अमेंडमेंट में आया था सिंधी, 15वीं भाषा बनी थी, आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपका भला होगा। आगे बढ़ते हैं जी, ये भी ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, 22nd अमेंडमेंट से मेघालय बना, किससे बना, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, सब असम से ही बने, जो बने असम से बने ऐसे ध्यान रखना। तो 22nd अमेंडमेंट जो है वो 1969 है, इस बात को आप, 1969 में आया है और इससे मेघालय बना है। 27th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, एम्पावर्ड द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ सर्टेन ड्यूटीज टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। देखिए ये क्या है, ऑर्डिनेंसेस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म ऑर्डर, आपने नोटिस करा होगा मैं अमेंडमेंट और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड में पढ़ाता हूँ हमेशा,
जैसे स्पेशली इस कोर्स में बिल्कुल एंड में पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आके ना मेरे लिए आसान हो जाता है। मुझे ऑर्डिनेंसेस का मतलब नहीं समझाना, प्रमलगेट का मतलब नहीं समझाना, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब नहीं समझाना, बिकॉज वो मेहनत मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पिछली 22-23 क्लासेस में। आई होप आपने वो क्लासेस देखी है। अब आप शर्मा शर्मा मुझसे चाहकर भी नहीं पूछ पाएंगे, सर ऑर्डिनेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रमलगेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता क्लासेस लगाइए वरना गूगल करिए, मैं दोबारा दोबारा नहीं बताऊंगा। ऑर्डिनेंसेस का बता देता हूँ शॉर्ट टर्म ऑर्डर, जैसे कि यूनियन में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है शॉर्ट टर्म ऑर्डर्स को इशू करने की, उसी तरीके स्टेट्स में पावर होती है गवर्नर्स के पास, उसी तरीके जो यूटीज है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास ही पावर होती है बाय 27th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, ठीक है जी। बाकी ये आर्टिकल में हम और डिस्कस करेंगे, सर्टेन स्पेशल प्रोविजन कौन से आर्टिकल से एसोसिएटेड है, बस सभी के लिए ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से जुड़े जो है जब ये यूटीज हुआ करती थी, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 28th अमेंडमेंट 1972 एबॉलिश्ड द स्पेशल प्रोविजन ऑफ आईसीएस ऑफिसर्स इंडियन सिविल सर्विसेज, ये जाने दीजिए, कोई इतना वो खास नहीं है अपने, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। 33rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 पढ़िए, ये आपको मैं बता चुका हूं पहले भी कि अगर स्पीकर या चेयरमैन चाहे तो रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, याद है ना। आप लोगों से मैंने पूछा था कि कौन रिजेक्ट करेगा, कि मान लेते हैं मैं रेजिग्नेशन देता हूं और उसके बाद कौन मना कर सकता है कि भाई अभी आप रिजाइन नहीं कर सकते, अभी आपकी जरूरत है, और आप लोगों ने भर भर के प्रेसिडेंट लिखा था। वो स्पीकर या फिर चेयरमैन था, डिपेंड करता है, लोकसभा है तो स्पीकर, राज्यसभा है तो चेयरमैन। वो जो पॉइंट ऐड करा गया था, वो ऐड करा गया था 33 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 से, 33 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974। अब दोस्तों ये तो आप ही को रट्टा मारना पड़ेगा कि ये 33 है और वो 32 है, मेरा काम समझाना है मेनली। 36 पे आ जाते हैं जी, 36 हमारा जुड़ा है, मेड सिक्किम अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, और 10वीं अनुसूची में थोड़ा सा चेंज हुआ था, 36 अमेंडमेंट एक्ट में सिक्किम बना था एक स्टेट। ये जाने दीजिए, ये मुश्किल हो जाएगा वैसे, फिर भी ऐड कर दिया, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। 37 जो है ये कह रहा था अरुणाचल प्रदेश के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, अभी ये यूटी ही है, कीप दिस इन माइंड, बट इसके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जैसा दिल्ली वाला केस है वैसा केस मान सकते हैं। 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, 1975 है तो ये इमरजेंसी वाला पीरियड है, याद करो, है ना, 75, 77, तो ऐसे में जो चीजें होंगी वो कुछ कुछ ऐसी होंगी कि जो इमरजेंसी लगाने को आसान करेंगी, ये ऐसा फिक्स नहीं है, बट स्टिल पेपर में तुक्का मारा जा सकता है। जैसे कि मेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट नॉन जस्टिसिएबल, यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते इस बात को लेके कि प्रेसिडेंट ने जो इमरजेंसी डिक्लेयर करी है वो गलत है, समझ पा रहे हैं ना। ये हुआ है 1975 के समय, 38th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है, ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे ही मेड द प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, सेम वही वाली बात, आप कोर्ट नहीं जा सकते, बेसिकली कोर्ट जाना आपको अलाउड नहीं है इन सब चीजों के लिए। 39th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 प्लेस्ड द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू प्रेसिडेंट, वीपी, पीएम, स्पीकर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशरी। आज के समय क्या है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला लेता है? जी हाँ, यहां पर क्या है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है प्रेसिडेंट, वीपी या पीएम या स्पीकर से जुड़ा, तो जुडिशरी उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, पार्लियामेंट एक जाके अथॉरिटी बनाएगी और वो उस अथॉरिटी को जो है पूरी पावर होगी उस अथॉरिटी को अपना फैसला सुनाने की। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं जानता हूं ये मुश्किल है, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, स्टिल बिकॉज वी हैव टू कवर सर्टेन थिंग्स, वी आर कवरिंग सर्टेन थिंग्स, ठीक है जी। आ जाते हैं जी खिलाड़ी अमेंडमेंट पे, ठीक है जी, खिलाड़ी अमेंडमेंट पे आ जाते हैं, थोड़ा सा फोकस करेंगे। श्याम जी पिछली क्लास आप प्लीज देखेंगे, पिछली एक दो क्लासेस आप समझ जाएंगे आपके सवाल का आंसर क्या है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 अभी तक का सबसे ज्यादा अमेंडमेंट वाला एक्ट, यानी ऐसा एक्ट जिसके अंदर इतने ज्यादा अमेंडमेंट हुए कि लोगों को लगा कि संविधान में ही एक संविधान ऐड कर दिया गया, दैट इज वाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखेंगे। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके, आपको याद होगा ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो भी जो है ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के ही तहत, पार्ट नंबर 4 एक्वायर्ड करा गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 नए शब्दों को ऐड करा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी प्रीएम्बल के अंदर, ये भी आपको पता है, और मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, यानी प्रेसिडेंट अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते, जो कैबिनेट ने कह दिया वो होगा ही होगा, पार्ट नंबर 4A
पार्ट नंबर 14A, ये दोनों पार्ट ऐड हुए हैं, ध्यान रखना। 4A तो अधिकतर को पता होता है, 14A नहीं पता होता दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना। गुड इवनिंग, ठीक है जी, समझ पा रहे हैं। और लोकसभा में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं या जो विधानसभाओं में नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसे फिक्स कर दिया गया 2001 तक, 2001 का जो सेंसस है वहां तक फिक्स कर दिया गया। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं अपने हाथ से ऐसे मार्क करते चल रहा हूँ, उन पर ज्यादा फोकस करिएगा, बाकी सारा पढ़ लेंगे तो उससे बढ़िया तो कोई बात है ही नहीं। इसके बाद 6 नंबर पे मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी। ये 1976 वाला समय है, अभी जो भी हो रहा होगा वो ऐसा होगा जो इमरजेंसी को लगाना आसान करेगा और जुडिशरी की पावर को कम करेगा। आपने नोटिस करा होगा 1975 में भी जो चीजें आई थी वो जुडिशरी की पावर को कम कर रही थी। देखिए कि भाई प्रेजिडेंट, वीपी एटसेट्रा एटसेट्रा, जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता। आप यहाँ पर देखिए इमरजेंसी के डिक्लेरेशन से जुडिशरी कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर प्रेजिडेंट कोई ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं, यानी एक ऑर्डर जारी कर देते हैं, तो कुछ भी नहीं कर सकता। आई होप आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जुडिशियरी की पावर कम हो गई थी। अगेन आई एम नॉट टेलिंग दिस फॉर पॉलिटिकल रीजंस, ये सिर्फ आपको याद कराने का तरीका है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या करा, सच में एज एन एजुकेटर आई डोंट केयर, एज अ सिटीजन आई शुड, एज अ सिटीजन यू शुड, बट एज एन एजुकेटर आई शुड नॉट, एंड एज एज एन एस्पिरेंट यू शुड नॉट, है ना। तो जब हम क्लास में है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार ने क्या करा, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को बस ये है कि पेपर में टिक कैसे लगेगा, तो उसके छोटे छोटे जुगाड़ आपको बताए जा रहे हैं। दोस्तों जुडिशियल स्क्रूटनी कम हो गई, हट गई, घट गई, तो वो ये जो है 75, 76, 77 वाला समय होगा। मेड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी, यानी अगर अमेंडमेंट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। सेम बात यहां देखो, कर्टेल करना मतलब कम करना, खत्म करना, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और एंड रिट ज्यूरिस्डिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकते, ठीक है जी, समझ पा रहे हैं ना। और रेज द टेन्योर ऑफ लोकसभा फ्रॉम 5 to 6, कितनी अजीब सी बात है ना। यानी बीच में एक समय ऐसा भी आ चुका है कि 5 से 6 साल हो गया था टर्म, यानी हमें पता है आज 5-5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन ये 42nd अमेंडमेंट ने 5 से 6 साल कर दिया था इसे। तो ये एक बढ़िया पॉइंट है, वैसे भी मतलब थोड़ा पता होना चाहिए, और क्या पता पेपर यहां से सवाल पूछ ले, ठीक है जी। Provided that the laws made for the implementation of DPSPs cannot be declared invalid by courts on grounds of violation of some fundamental rights. Notice करो, वही same point है, वही same point है, judiciary की power को कम करा जा रहा है। Judiciary की power को कैसे कम करा जा रहा है, देखो अगर कोई fundamental right छिनता है किसी DPSP को लागू कराने में, तो आप court नहीं जा सकते। तो क्या एक loophole create हो गया आपकी fundamental right को छीनने का, ऐसा कुछ कर दो जिससे आपकी फंडामेंटल राइट छिन रही हो लेकिन वो डीपीएसपी में कवर्ड हो। अब डीपीएसपी तो बहुत ओपन एंडेड है, तो ये भी एक तरीके से जुडिशरी की पावर को कम करने का एक पॉइंट था। आगे चलते हैं, एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू मेक लॉज टू डील विद एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड सच लॉज आर टू टेक प्रिसीडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स। देखो क्या खतरनाक बात है, यानी ऐसे कानून बनाएगी पार्लियामेंट जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के खिलाफ होंगे और उसमें फंडामेंटल राइट कुछ नहीं कर सकती। यानी अगर पार्लियामेंट की नजर में या कानून की नजर में आप एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं, तो आपके फंडामेंटल राइट्स भी आपको नहीं बचा सकते। ये बहुत मतलब देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव सोच है, बट अगेन जब हम वोट देते हैं तो हम पावर देते हैं। आई होप आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाने के और जुडिशरी की पावर को घटाने की तरफ के पॉइंट्स हैं। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। ये मैंने क्या करा था, स्लाइड बनाते समय ये वाला पोर्शन कॉपी पेस्ट मार दिया था 2-3 बार, जिससे कि जब आप रिवाइज करें तो आपके दिमाग में चीजें छपी रहे, ठीक है। 11वें नंबर पे है, एडेड 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, ये सब है, इन्हें एड करा गया है। और आप चाहो तो क्या करना, रीड आर्टिकल नंबर्स, ऐसा कर लेना, जब आप आर्टिकल देखोगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो इन तीनों के आर्टिकल नंबर थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने को वैसे तो पता ही है कि 36 से जो है 51 तक है, बट स्टिल एक बार इनका जो है आर्टिकल नंबर देख लेना। मैं इस फाइल में नहीं दिखा सकता बिकॉज ये दूसरी फाइल है, मुझे उसके लिए संविधान वाली अपलोड करनी पड़ेगी। आप वो आपके लिए एक छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप प्लीज खुद देख लेना, ठीक है। आपको सिंपली डीपीएसपी वाले चैप्टर पे जाना है, पार्ट 4 पे, वहां पर आपको सब नाम लिखे दिख जाएंगे, वहां से आर्टिकल नंबर रीड करना है। फैसिलिटेटेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन अ पार्ट, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेशनल इमरजेंसी जब मैंने पढ़ाई थी कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से प्रेसिडेंट चाहे तो छोटे से एरिया में जो है डिक्लेयर कर सकते थे नेशनल इमरजेंसी, पूरे देश को परेशान करने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है जी। प्रेसिडेंट रूल जो है आपको पता होगा 6-6 महीने में उसे रिवैलिडेट कराना होता है, यहाँ पर क्या गया जी 6 महीने की जगह 1 साल कर दिया गया, ये भी 42nd से ही हुआ था।
और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आर्म्ड फोर्सेस को जो है राज्य के अंदर भेज सकती है, एनी स्टेट, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ वहां पर क्या होगा अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है। तो सारी चीजें सेंटर की पावर को बढ़ाने की है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। देखिए सारी चीजें याद करना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप जिस्ट उठा लेंगे ना कि क्या है, मोटी मोटी बात क्या है, तो आप पेपर में टिक लगा पाएंगे। आप देखोगे सारे ही पॉइंट्स में क्या है कि पार्लियामेंट की पावर को बढ़ाया जा रहा है और जुडिशरी और जो आम नागरिक है उसकी पावर को पार्लियामेंट की पावर से थोड़ा नीचे रखा जा रहा है, जो कि सही गलत क्या है अब क्या कहें, वो तो अगेन उस समय की जो भी सीन्स होंगे उस पर डिपेंड करता है। मैं तो था नहीं 76 में, आप भी नहीं होंगे जहां तक मेरा अंदाजा है, तो क्या कह सकते हैं, बट स्टिल याद करने के लिए हम ऐसे थोड़ा सा सोच सकते हैं। देखो जी ये इतना ज्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है कि मतलब पेपर के लिए याद करना काफी मुश्किल है। ये है कि पांच ऐसी चीजें हैं जिन्हें स्टेट से उठाकर कॉन्करेंट में डाला, अगेन स्टेट की पावर को कम करके। आपको पता है कॉन्करेंट में सेंटर का बोलबाला होता है, सेंटर की पावर बढ़ाई गई। कौन कौन सी पांच बातें हैं आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं जी। ये देखो जी क्या पॉइंट ऐड करा गया है, डिड अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये वही पॉइंट याद है आपको, हमने डिस्कस करा था भाई 10% होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, अदरवाइज तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। किस दिन मान लेते हैं 20 ही लोग आए तो 20 लोग ही एक्ट पास कर देंगे, लोकसभा से बिल पास हो जाएगा सिर्फ 20 लोग आए। जी हाँ ऐसा भी हो गया था 42nd अमेंडमेंट से कि कोरम वाला कॉन्सेप्ट जो है खत्म कर दिया गया था। समझ पा रहे हैं बात को या नहीं समझ पा रहे हैं? 42nd अमेंडमेंट सबसे लंबा है तो उस वजह से ज्यादा पॉइंट है, बाकी सब में ऐसा नहीं है। ये याद कर लेना, लर्न कर लेना। प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, बस ये याद रख लेना, क्या पता कहीं पे काम आ जाए। ठीक है जी आगे चलते हैं। क्या आप जिंदा हैं? क्या आप मेंटली जिंदा हैं क्लास में? वैसे तो बायोलॉजिकली तो आप सब हम सब जिंदा हैं, क्या मेंटली जिंदा हैं आप? आई होप आप जिंदा हैं क्योंकि क्लास हैवी है। आई नो आई अंडरस्टैंड, इस क्लास में सिर्फ अमेंडमेंट्स ही पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहो फिर फ्री कर दूंगा, चिंता मत करो। और प्रद्युमन जो आपका सवाल है वो बिल्कुल जायज है कि क्या करें सर, एनोटेशन वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया है। आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है कि पीडीएफ को अपडेट सेक्शन से डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको एनोटेशन नहीं मिल पाएगी। और दूसरा रास्ता यही है कि कुछ दिन वेट करो, जब एनोटेशन वाली फाइल क्रिएट हो जाए तो डाउनलोड कर लो। ठीक है जी 14th स्टेटमेंट समझा देता हूँ। गुड इवनिंग आयुष्मान। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट में आर्मी भेज सकती है, अगर उन्हें लगता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये स्टेट में दंगे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि स्टेट कुछ नहीं कर सकता, स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए जनरली पुलिस तो स्टेट के कंट्रोल में होती है, अगर सेंटर को लगता है कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही तो वो अपने पास से वहां पे आर्मी भेज सकता है, देसी भाषा में ऐसे समझो, वो अपने पास से आर्मी भेज सकता है। ठीक है जी जैसे ये कुछ नहीं है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एक टाइप ऑफ सर्विस है, जैसे IAS IPS वगैरह होते हैं, वो बनाया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। 14A कुछ नहीं है संदीप जी, ट्रिब्यूनल। देखिए मैं आपको समझा ही देता हूँ, रुको। ट्रिब्यूनल्स आपने पढ़े होंगे जब मैंने आपको पार्ट्स पढ़ाए थे, तो ट्रिब्यूनल का क्रिएशन करा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत, बस इतनी सी बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है जी 43rd अमेंडमेंट एक्ट, अब दोस्तों ध्यान रखना, ये 43rd अमेंडमेंट आया है 1977 में, तो क्या ये 42nd को काटेगा? दोस्तों सोचो, 43 44 दोनों मिलके 42nd या फिर उन चीजों को काटेंगे। वाई? बिकॉज देखो इन्होंने लिखा भी है, साफ साफ लिखा, एनेक्टेड बाय जनता गवर्नमेंट टू नलीफाई सम ऑफ द डिस्टॉर्शंस, डिस्टॉर्शन यानी जो लगता है गलत हो गया है, इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट, यानी 43 44 का काम है जो 42nd में गड़बड़ हो गई उसे सुधारना। देखो जी अब डिप्राइव द पार्लियामेंट टू डिप्राइव द पार्लियामेंट ऑफ इट्स स्पेशल पावर्स टू मेक लॉस टू डील विद एंटी नेशनल एक्टिविटी, समझ गए जी। पार्ट 14A जो है संदीप जी ट्रिब्यूनल से एसोसिएटेड है, बेटा ये मैं अलग से पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर अमेंडमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे बस हमें इतना ध्यान देना है कि पार्ट 14A जो बना है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बना है जो 1976 में आया था। ऐसे ही दोस्तों जो ऊपर वाला रिस्टोर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू और इशू ऑफ रिट्स, यानी 42nd में बंद करा 43 में चालू कर दिया, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बस ये ध्यान रखना ये दोनों जो पॉइंट है ना हमारे ये 44th के नहीं है, 44th और 43rd दोनों एक जैसे से हैं, बट पहले 43rd आया था 1977 में, उसमें ये दोनों पॉइंट थे याद रखेंगे। 44th आया था 1978 में, ये भी जनता गवर्नमेंट के द्वारा ही आया था, इनेक्टेड बाय जनता गवर्नमेंट इसमें भी लिखा हुआ है, ये भी थोड़ा सा लंबा चौड़ा था बिकॉज इसने ही मेनली नलीफाई करा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है जी ये ऐसे सेशंस मेरे लिए खुद के लिए भी थोड़े भारी हो जाते हैं बिकॉज एक तो
आप लोग और मेरे बीच में 15-20 सेकंड का गैप है, तो वो थोड़ा सा फील कम आ पाती है कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हाथों हाथ आप जवाब दे रहे हैं। सेकेंडली क्या है, ये कंटेंट थोड़ा स्पीड में ही पढ़ाना पड़ता है, बिकॉज अगर हर स्टेटमेंट की डिटेल में जाऊंगा तो 4 सेशन भी ये चीजें चलती रहेंगी। तो मुझे पता है आप लोग को भी थोड़ा कम समझ आता होगा ये सब, बट ये अब क्या करें, SSC है, टाइम कम है, अपने को स्मार्ट मूव लेते हुए कुछ चीजें समझ के और कुछ चीजें याद करके आगे बढ़ना है। अदरवाइज या तो कंटेंट बहुत कम समझ आएगा या फिर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अपने को मिडिल पाथ निकालना है, अधिकतर चीजें कम समय में समझ के बाकी चीजों को याद करने की कोशिश करती है। ठीक है, गुड इवनिंग शुभम जी। चलिए जी चलते हैं आगे। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 को स्टडी करते हैं। हम अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द क्लास पे पहुंच चुके हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जैसे ही ये क्लास पूरी हो जाएगी, मतलब अमेंडमेंट्स पूरे हो जाएंगे, मैं आपको फ्री कर दूंगा। ठीक है जी। नहीं, लैग नहीं है, मैं बीच में पानी पीने रुका था, तो वीडियो इतनी छोटी है कि आप लोगों को पता नहीं लगा होगा। बॉटम में चले जाता हूँ, तो ऐसा कर लेता हूँ थोड़ा तो लोगों को महसूस हो। ऐसे तो ऐसा लग रहा होगा बिग बॉस है कोई देख रहे हैं, पता नहीं लग रहा कहाँ है। देखिए, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ये भी जनता सरकार के द्वारा, जनता गवर्नमेंट के द्वारा ही आया था, और इसने वापसी 5 साल कर दिया था। ये ध्यान रखना, पहले 5 थी, फिर 6 हुई, फिर 5 हो गई, यानी 44th में उसे रिवर्स कर दिया गया था। आई होप आप बात को जो है समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, 44th में रिस्टोर कर दिया था टर्म को, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रिस्टोर्ड द प्रोविजंस विद रिगार्ड टू कोरम, आप अब कुछ नहीं दिमाग लगाना, 42 की बातें 44 में ठीक करी गई है, आप खुद देख सकते हो वहां पर जो हुआ उसे ठीक करा जा रहा है। देखो, अपने को ये थोड़ा फोकस करना है, 42nd में बहुत कुछ हुआ, कुछ चीजें जो है हुई है 39th में, और इन सब चीजों को जो है ठीक करा गया 43 और मेनली 44 में। 43 में हमने मेनली दो ही बातें करी हैं, सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू और रिट्स, जुडिशियल रिव्यू और रिट्स, ये दोनों को रिस्टोर करा गया है। इसके अलावा एंटी नेशनल एक्टिविटीज से एसोसिएटेड कानून जो है, जो स्पेशल पावर्स है वो नहीं बना सकती पार्लियामेंट, यानी 43 में उन्होंने बात करी है दो चीजों की, जुडिशियल रिव्यू और रिट्स की, और साथ में जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज से एसोसिएटेड स्पेशल पावर्स की। वो स्पेशल पावर पता है ना कौन सी है, यहां पर अभी बताया था मैंने, देखो, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बैठ जाने की, यानी फंडामेंटल राइट्स से ऊपर वो लॉ जो है, जो वो लॉ है वो फंडामेंटल राइट्स के भी ऊपर हो जाएगा। जो स्पेशल पावर है इसे वापसी लिया गया 43rd में, 44 में 6 का 5 साल करा गया, कोरम को रिस्टोर करा गया, है ना जी। ये सब जाने दो, ये भी जाने दो। हाँ, ये थोड़ा पढ़ लेना, आपको क्लास में बताया गया होगा। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते हैं एक बिल को लेकर, प्रेसिडेंट चाहे तो उसे वापसी भेज सकते हैं, बट दूसरी बार जो है जब वो वापसी आता है तो उन्हें पास करना ही होता है। ऐसा ही कुछ आप पढ़ सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में, कि प्रेसिडेंट को जो है पावर दी गई कि आप चाहें तो कैबिनेट की जो भी एडवाइस है ना उसे वापसी भेज सकते हो। याद करो, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट एज पर द कैबिनेट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि कैबिनेट जो कहेगी प्रेसिडेंट वो करेंगे, बट 5वें पॉइंट में क्या करा है, कैबिनेट ने कुछ कहा, प्रेसिडेंट एक बार उसे वापसी भेज सकते हैं, बट अगर वो दोबारा आ जाता है तो वो प्रेसिडेंट को काम लागू कराना ही पड़ेगा। ठीक है जी, आई होप आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं। डिलीटेड द प्रोविजंस विच मेड द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर, ये सब जाने दो। इस पे आ जाओ 8वें पे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ज्यादा। अब ये देखो, सम ऑफ द पावर्स तो एम्बिगुअस है, अपने को क्या पता किस पावर की बात हो रही है। रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रेबेलियन, देखिए 44 में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखे हुए हैं एमरजेंसी वाले चैप्टर में, है ना, जैसे कि 8वां भी लिखा है और 9वां भी लिखा हुआ है, ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। ये वाला भी आपके नोट्स में ऑलरेडी है, डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स मेड इट अ लीगल राइट, वही आर्टिकल 300A पार्ट नंबर 12, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। आर्टिकल 20-21 आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये बात ऐड हुई है 44th अमेंडमेंट एक्ट में, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, और इसके अलावा वो जो पॉइंट था कि अगर प्रेसिडेंट, वीपी, स्पीकर और पीएम से एसोसिएटेड कोई भी डिस्प्यूट होते हैं तो पार्लियामेंट एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी के पास पावर होगी फैसला लेने की, ना ही कोर्ट्स के, ये चीज वापसी ले ली गई। आज तो हमें पता है सुप्रीम कोर्ट करता है, बट बीच में कुछ समय के लिए क्या हो गया था जी, सुप्रीम कोर्ट के पास यानी कोर्ट्स के पास भी ये पावर नहीं थी, उस पावर को वापसी दे दिया गया था कोर्ट्स को। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं आप बात को, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक आपकी तबीयत ठीक है तो मैं आगे चलता हूँ। मैंने आपको 44th अमेंडमेंट एक्ट तक की सारी बातें बता दी है। देखिए ये क्लास जो है आपकी करीब करीब 1.25 घंटा चलेगी, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास आप मान सकते हैं। और उसके बाद आपका जो आने वाली क्लास है वो मैं मंडे या ट्यूजडे तक आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। एंड वो क्लास जो है वो आप मान सकते हैं फरवरी की जो शुरुआत है उसमें होगी, यानी इस महीने में। अब मैं आपको एक और स्पेशल क्लास दूंगा, वो मोस्ट प्रोबेबली जो है 29th ऑफ दिस मंथ को होगी। एंड उसके बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो फरवरी में मैं चलाऊंगा। फरवरी में शुरू के 1-2 दिन में क्लास नहीं लूंगा, और 3-4 तारीख के आसपास या 5 तारीख के आसपास आपकी मैं क्लास रखवाऊंगा। वो क्लास आपको शो हो जाएगी 29 या 30 तारीख तक, ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्तों, आ जाते हैं 48th अमेंडमेंट एक्ट पे। 48th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये आया 1984 में, याद होगा पंजाब में प्रेजिडेंट रूल बढ़ गया था। ये सब डिस्कशन आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमने देखा था कि दो कंडीशंस थी, वो एक इलेक्शन कमीशन वाली, वो सब बातें अब हम दोबारा नहीं करेंगे वरना टॉपिक से जो है हम डाइवर्ट हो जाएंगे, याद है ना। उसमें हमने देखा था इतने साल से ऊपर नहीं हो सकता, बट पंजाब का केस था तो आपको बताया गया था कि प्रॉपर अमेंडमेंट करा गया था संविधान में, वो अमेंडमेंट है यहाँ पर 48th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1984। ध्यान रखेंगे, पंजाब में बहुत ज्यादा दंगे हो गए थे ना, आपको याद होगा 84 के दंगे तो बहुत ज्यादा इनफेमस हैं, बहुत लोगों की उसमें जाने गई थी, तो इस वजह से वहां पे इलेक्शन कराना संभव नहीं था और इसीलिए वहां पर प्रेजिडेंट रूल को एक्सटेंड करा गया था। आगे चलते हैं जी, 24, 25 जनवरी भूमिका जी, इसका आंसर मैं आपको भी ऐसे नहीं दे पाऊंगा बिकॉज वो मेरे पास ऐसे नोटेड नहीं है। आई ट्राई टू सॉर्ट दिस आउट, डोंट वरी। 13th और 44th अमेंडमेंट को सिंप्लीफाई कर दीजिए। 13th और 44th कुछ नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर प्रेसिडेंट, वीपी, पीएम और स्पीकर इन चारों के से एसोसिएटेड कोई भी मसला है तो वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, पार्लियामेंट उसकी एक कमेटी बनाएगी और कमेटी का डिसीजन फाइनल होगा। इस पॉइंट को ओमिट कर दिया गया, यानी डिलीट कर दिया गया संविधान में से। डिलीट कैसे करा गया, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, इस तरीके, ठीक इसी तरीके कि अब ये मसले जैसे पहले थे वैसे चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ही यानी जो कोर्ट्स है वो इसका फैसला लेंगे, ठीक है जी। 48th के अंदर पंजाब वाली बात है, याद रखना। 48, 84, 48th अमेंडमेंट है ना 1984, ये एक दूसरे का उल्टा है, ध्यान से देखो। तो 48 आया 84 में, 84 में कौन सा आया 48, और 84 में पंजाब के दंगे हुए थे तो वो भी ध्यान रखना कि पंजाब के प्रेसिडेंट रूल से एसोसिएटेड होगा। 49th अमेंडमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे जाने दो, एडीसी वगैरह है ये म्यूनिसिपैलिटी वगैरह में अपन पढ़ते हैं, इसे चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, वैसे ऑलरेडी नोट्स में है बट बताना, थोड़ा भूमिका बांधना जरूरी होता है ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। 10th स्केड्यूल जो है ऐड हुआ है, ये ऑलरेडी आपके नोट्स में है, 10वीं अनुसूची क्या है, कैसे क्या होता है, दोबारा नहीं बताऊंगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में इसे हमने ऐड करा था। 53rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ये मिजोरम जो है इसकी असेंबली 40 मेंबर की कर दी गई थी, बस ये 53rd में है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जाने दे सकते हैं। 56th अमेंडमेंट एक्ट में गोवा की बात करी गई है, गोवा की सीटें 30 कर दी गई थी। देखिए सम अमेंडमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन दी अदर्स, कुछ अमेंडमेंट्स बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वाले है, ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की ये सब है। तो ये जो है आप पढ़ लीजिए, एक छोड़ के मत जाइएगा, बट जितना कर पाए उतना कर लीजिएगा। 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसने क्या करा है जी, 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 ने 21 से एज 21 साल कर दी है वोटिंग की, ध्यान रखेंगे, ये लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर में ये इंपॉर्टेंट है, पेपर पहले भी कई बार पूछ चुका है। ऐसे ही 69 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आपने नोटिस करा होगा, बहुत सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखे हैं। इसमें क्या है जी, दिल्ली का नाम बदल के एनसीटी ऑफ डी कर दिया गया, साथ में 70 सीटें फिक्स कर दी गई, 7 मेंबर काउंसिल मिनिस्टर हो गया इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इस पे समय व्यर्थ अपन नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आ जाते हैं जी इधर, ये क्या है जी, 70th अमेंडमेंट ऑफ 1992, प्रोवाइडेड फॉर इंक्लूजन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। आपको याद होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूटीज विद लेजिस्लेचर वोट देती है, याद है ना, इलेक्शन में इलेक्टेड सारे ले आओ,
और हटाते समय सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के लोगों की बात कर लो, अपन ने इसी तरीके शॉर्टकट पढ़ा है, शॉर्टकट नहीं लॉजिक ये है, जब इलेक्ट करना है तो सारे इलेक्टेड ले आओ पूरे देश के, चाहे वो स्टेट के हो चाहे वो सेंटर के हो, हटाते समय सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के सारे लोगों को उठा लो, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो। तो 70th अमेंडमेंट के अंदर ये बात कही गई है। अब ये देखो 17 है तो दिल्ली से एसोसिएटेड है क्योंकि दिल्ली की 70 सीटें हैं, तो दिल्ली को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐड करा जाए यानी पावर दी जाए दिल्ली पुडुचेरी को, ये 70th वाले से करा गया है। ठीक है जी, ये आई थिंक निर्मल्य बेस्ट रहेगा, ये सभी लोग चाहे तो फॉलो कर सकते हैं कि इस क्लास को दोबारा देखिए और चाहे तो नोट्स बनाइए। देखिए इसके नोट्स बनेंगे कम से कम 2-3-4 घंटे में, ये मैं तो पढ़ा के 1-1.5 घंटे में निपट जाऊंगा, बट आप जब इसके नोट्स बनाएंगे ना हो सकता है आधा दिन लग जाए आप लोगों को, तो ये भारी काम है। और बेस्ट यही रहेगा कि वीडियो को साथ साथ चला के पॉज करके लिखिए, बिकॉज अदरवाइज आपको सब एक जैसा लगेगा, आपके लिए ये और ये और ये और ये सब एक जैसे से हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं कि नोट्स आप वीडियो को प्ले करके बना ले। ठीक है, 70th अमेंडमेंट जो है वो यूटी इसको पावर देता है, अगर उनके पास लेजिस्लेचर है, कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में योगदान दे सके। 71st ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है जी, 73rd और 74th दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट और साथ में 74th अमेंडमेंट एक्ट, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसके अंदर 18 आइटम्स हैं, 12वीं अनुसूची ऐड हुई है, पार्ट नंबर 9A। इधर आ जाओ जी, ये पंचायत है और इसमें 11th शेड्यूल ऐड हुआ है और 29 इसमें आइटम है, ऑलरेडी हो चुका है। आयुष्मान जी आपका होमवर्क है, आप इसे अपने नोट्स में चेक करिए, क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इंपीचमेंट में। देखिए एंग्लो इंडियन का तो रोल ही खत्म हो गया, आप चेक करिए क्या रिमूवल यानी इंपीचमेंट के समय नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, थोड़े से पेजेस पलटो के मिल जाएगा डेटा। 73rd 74th आपको आता है, इस पे अपन समय नहीं खराब करेंगे, आगे बढ़ते हैं जी। 84th 85th 86th आ जाओ मैदान में। प्रद्युमन जी इसे पिछले कोर्स से पढ़ सकते हैं, इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं कर सकता चाह के भी, बिकॉज ये स्टैटिक डेटा है। आ जाओ जी इधर, 84th अमेंडमेंट आया 2001 में, जिसमें इन्होंने क्या करा, वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर की जो सीटें थी, याद होगा ना आपको, रीएडजस्टमेंट नहीं हो सकता, वो 2026 तक आगे बढ़ा दी, यानी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो फिक्स रहेगी। ये बात कहीं ना कहीं इसमें लिखी भी होगी, देखो हाँ ये जी ना, इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा और असेंबली आर टू रिमेन सेम टिल 2026, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये इसी सेंसस 91 वाला सेंसस, ये भी पेपर ने आपसे पता पूछा है, कितना ही डेप्थ में कभी कभार एसएससी चले जाता है, कौन से सेंसस से एसोसिएटेड था, 91 वाला सेंसस था, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और आगे आ जाइए 2001 के बाद आ जाओ जी 2003, प्रोवाइडेड फॉर द रीएडजस्टमेंट एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ 2001 सेंसस एंड नॉट बाय 1991 सेंसस। यानी अगर वो 2001 वाले की बात करेगा तो इसमें 91 वाला सेंसस था, बट 2003 तक आते आते 2001 का सेंसस रेडी हो गया, तो 2001 का सेंसस था, फोकस करो आराम से आराम से। ठीक है जी, कंटेंट कुछ कट रहा है क्या? ओके, ठीक है ठीक है, चिंता ना करें। अब ठीक है, जहां पर भी इशू आया प्लीज मुझे बताइए। देखिए हमने देखा कि 2001 के अमेंडमेंट में ऐसे ही से ना थोड़ा रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, देखो 2001 का सेंसस है, 2001 में तो पूरा तैयार हुआ नहीं होगा, तो जब 2001 में अमेंडमेंट आया ना तो उसने पिछले वाले को स्टैंडर्ड मान लिया 91 वाले को, फिर 2003 में एक अमेंडमेंट करा कि नहीं भाई 91 वाला सही नहीं है, 2001 वाला ले लो। ऐसे शायद थोड़ा सा आप याद रख पाए कि 84th और 80 जो अपना 7th है, आई होप थोड़ा थोड़ा आप इसे याद रख पाएंगे, वो भी कर सकते हैं शुभम जी, पिछले वाले से कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ जी, ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये नहीं भी पढ़ोगे ना तो चल जाएगा जैसे तैसे, पेपर में जुगाड़ लग जाता है कि हाँ 25 साल का कुछ है तो चलो 2001 से होगा 26 मार दो, ये इम्पॉर्टेंट है। ये है 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। पता है मेरी एक बड़ी अच्छी बात है, मैं अपनी थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ऑलरेडी नोट्स में है, तो उसका रिवीजन चल रहा है एक तरीके से, और जो कम इंपॉर्टेंट है वो आपको नया तैयार करना है, क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो टॉपिक्स में मैंने उसी समय लिख दिया था, जैसे कि आर्टिकल 21 जहां पर भी पढ़ाया होगा वहां पर इसका जिक्र करा होगा, इसी तरीके दोस्तों जहां पर भी डीपीएसपी में आर्टिकल 45 पढ़ाया होगा जिक्र करा होगा, जहां पर आर्टिकल 51A पढ़ाया होगा ना उसकी वो 11वीं वाली बात करी होगी वो भी पढ़ाया होगा, और वहां पर जब आप लोग कंफ्यूज थे
सर क्या हो रहा है, कहीं पर भी एक ही बात कर रहे हैं, कभी डीपीएसपी में कभी इधर उधर, तो वहां पर ये जिस्ट भी मैंने आपको बना के बताया होगा भाई, फंडामेंटल राइट्स में ये पॉइंट ऑफ व्यू पे चेंज आया, डीपीएसपी में इस पे और फंडामेंटल ड्यूटी पे इस पे, ये 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 के अंदर करा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कीप दिस इन माइंड, यू नीड टू नोट डाउन द आर्टिकल नंबर 21A, 45 एंड 51A का आखिरी वाला, 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003, इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा और शायद मुझे जूम आउट करना पड़ेगा, अब तो क्लास कैसे ली जाती है ये भी आप सीख ही चुके हैं, साथ साथ इसकी फ्री में ट्रेनिंग हो गई आपकी, कैसे कौन सा एजुकेटर कौन सा कलर लेता है, कैसे फुल स्क्रीन करते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे हाइलाइटर मार्क होता है, कैसे फाइल अपलोड होती है, कैसे पोल खोले जाते हैं, ये भी आप लोगों को सब आ गया होगा, है ना। अब आप में से ही बहुतों को लगता ही होगा आप पढ़ा सकते हैं, और हो सकता है पढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ाना मुश्किल है इतना नहीं है कि कोई ना पढ़ा सके, बस लगन चाहिए, ईमानदारी चाहिए, मतलब मेन तो मेरे हिसाब से वही है सर। फीचर सारे सीख लिए, बस कंटेंट तैयार करना जो बाकी है, बस वहां पर सर थोड़ा मशक्कत लगेगी, बाकी कैसे करना है वो तो हम सीख गए। हाँ, कैसे कमेंट ऑफ होते हैं, कैसे डाउट सेक्शन ऑफ होता है, सही बात है। चलो खैर आ जाते हैं इधर, 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003, 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003 ये क्या कहता है, ध्यान से समझना, ये भी पता है नोट्स में है, ये वाला पॉइंट क्या आपके नोट्स में नहीं है, भाई दिल्ली को 10 दिया था लेकिन बाकियों को 15 दिया था, अरे सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल है, क्या आपके नोट्स में ये नहीं है कि अगर कोई मेंबर ही डिस्क्वालीफाई हो गया तो मिनिस्टर भी नहीं बन पाएगा, बिल्कुल, और ये 15% वाला क्लॉज भी तो है आपके पास, ये सब है आपके नोट्स में, मजे करो, कुछ नहीं है, ठीक है जी, सब है, आगे बढ़ो अच्छे से, इसे एक बार रीड कर लेना, 92nd तो हो ही चुका है, इसमें क्या है, आ जाओ जी 95th पे, 95th वाला जो है दोस्तों ये 2009 में आया था, और इसने क्या करा, SC ST और एंग्लो इंडियंस की जो सीट थी उसे एक्सटेंड करा था 2020 तक, वो 2020 वाला है, वो 2020 वाला है जिसमें एंग्लो इंडियन को खत्म करा गया था, क्योंकि दोस्तों वो सेकंड लास्ट है, मतलब वो तो लेटेस्ट है, ये सेकंड लेटेस्ट है, ठीक है, ये जो है 95th अमेंडमेंट ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब वाला तो सबको ही पता होगा, उससे पुराने वाला हो सकता है वो आपसे पूछ ले, Ctrl M पे कमेंट ऑफ, पता नहीं ये तो प्रेम मुझे भी नहीं पता सच में, तो आपसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं करके देखना भी नहीं चाहता है, कहीं कुछ और ही हो जाए, क्लास ही बंद हो जाए, तो बिल्कुल रिक्स नहीं लेना अपने को। चलो खैर आगे चलते हैं, फोकस करिए, 96th अमेंडमेंट ऑफ 2011, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करा गया है जी, उड़िया से जो है उड़िया बना दिया, छोटी सी बात है बट SSC ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके सवाल पूछने के लिए जाना जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011, 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011, देखिए 96th भी 2011 में आया था, 97th भी 2011 में आया था, और इसमें क्या करा गया है, बस इतना सा ध्यान रखना मैं मार्क कर देता हूँ, गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, उससे क्या हो गया जी, एक नया पार्ट ऐड हो गया और DPSP ऐड हो गई, आर्टिकल आपका होमवर्क है, कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है ये DPSP, क्या यहां तक की बात आप समझ पाए। इसके बाद आ जाता है दोस्तों अपना 100th अमेंडमेंट, इससे पहले एक काम करता हूं, आपको मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूं यहां तक की, तो चलेगा ना, मैंने आपको शुरू में ही कहा था भाई देखो 1 से 99 तक मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, और 100 से 106 तक सारे पढ़ाऊंगा, तो मेरा जो प्लान है दोस्तों वो ये है कि यहां तक की बातें जो हैं ये मैं आपको आज की क्लास में सिखा दूं, और इससे आगे की जो बातें हैं वो करा दूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, इसलिए मैंने शुरू में ही आपको दो हिस्सों में बताया था, मैंने उस समय पता है आपको क्यों नहीं बताया, फिर आपको जल्दबाजी हो जाती, फिर आपको 99 तक पढ़ना भी भारी रहता, अब मैंने आपको कहा था 106 तक पढ़ाऊंगा तो 99 तक आपने आसानी से पढ़ ली, अब मैं काम कर रहा हूं फटाफट से क्विक रिविजन दे दूं चीजों का, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले का, आप सबका नहीं दूंगा, बताओ 5 मिनट में मैं क्विक रिवीजन आपको दे रहा हूं सारे के सारे अमेंडमेंट्स का, कि आप मेन मेन क्या क्या चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बातें बताकर फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा, वेल एंड गुड, सिंपल सी बात है, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, आपको एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं 99 में से जो मेरे हिसाब से 20-25 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो, तकलीफ होगी भी जब तक आप मुझे बताएंगे तब तक तो मैं पी भी चुका हूँ, तो बता देना कोई तकलीफ हो तो।
प्रद्युमन जी, जीएसटी वाला जो है बेटा वो 99 तक में नहीं आता ना, वो उसके आगे आता है ना, तो मैं आपको इस क्लास में 99 तक पढ़ा रहा हूँ। 100 और उसके आगे की जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फ्रेश माइंड से अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो चिंता ना करें, बिल्कुल बेफिक्र है। मैं जानता हूँ जीएसटी वाला नहीं हुआ, लैंड बाउंड्री नहीं हुआ, SC ST वाला नहीं हुआ, जिसके अंदर एंग्लो इंडियंस जो है उनका जो एक्सटेंशन है वो बंद करा गया है। इसके अलावा जो है हमने वो भी नहीं पढ़ा, विमेन रिजर्वेशन एक्ट, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट भी है वो, तो वो सब चीज़ें आने वाली क्लास में करा, ठीक है, चिंता मत करो आप। चलो अब फोकस करिए प्लीज, ठीक है। अननेसेसरी आप लोगों को मुझे ओवरलोडिंग महसूस नहीं करानी, आपको पिज्जा थोड़ी है जो आपको हम फुल्ली लोडेड कर देंगे, क्यों कर देंगे भाई, जितना आप आराम से समझ पाएंगे उतना आपको समझाएंगे, बाकी अगली क्लास में पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत की बात है। चलो फोकस करेंगे आप सभी लोग कॉमेंट सेक्शन को खाली करके, मैं आपको के लिए 5 मिनट में फटाफट से सब चीजें समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको टाटा बाय बाय कह दूंगा, ठीक है जी। फोकस करें, देव जी प्रैक्टिस कोर्स या थ्योरी कोर्स कौन सा आएगा ये मैं आपको आने वाली क्लास में बता पाऊंगा, अभी के लिए प्रैक्टिस कोर्स तो मैं प्लान नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेस। अभी क्या है, प्रैक्टिस कोर्स स्पेशल में ही हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो अगर ये चीजें ठीक नहीं होती उसके लिए मैं एक्चुअली सच बताऊं तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा उम्मीद है कि 1-2 दिन में अगर चीजें और इंप्रूव हो जाती हैं तो अकॉर्डिंगली ही मैं कोर्स को प्लान करूंगा। अब सच आप पूछ ही रहे हैं तो बता दो, इसी वजह से अभी तक मैंने कोर्स भी लाइव नहीं कराया, बिकॉज इंटरफेस के हिसाब से ही मैं जज करूंगा कि मुझे प्रैक्टिस कोर्स लाना है या फिर थ्योरी कोर्स लाना है, इसी वजह से थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा वेट करिए, होपफुली जल्दी ही मैं आपको वहां पर कोर्स एक लाइव जो है दिखा दूंगा। चलो फोकस करेंगे सभी लोग, हमने जो है देखा फर्स्ट अमेंडमेंट जो है ये 1951 में आया और इसमें 9वीं अनुसूची ऐड हुई। अब क्या करना, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना और जो बोलूं सिर्फ उतना सुनना, कमेंट सेक्शन को इग्नोर कर देना, क्लास में ही चीजों को तैयार करके जाना कोशिश करो। पहला अमेंडमेंट जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया 1951 में, इसे 9th शेड्यूल को ऐड करा और ये डील करता है लैंड रिफॉर्म से। थर्ड अमेंडमेंट जो है 1954 का, इसने वो जो प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फूड स्टफ का मैटर था, फूड ग्रेन्स कहें कुछ भी कहें, उसे उससे एसोसिएटेड कानून बनाने की पावर अपने पास रखी। सेवन्थ में पार्ट ABCD खत्म करे, सत्ते पे सत्ता हमने पढ़ा, 7/8 56, सेवन्थ अमेंडमेंट आया 1956 में। 14 स्टेट्स, 6 UTs बने, हाई कोर्ट के पास कंट्रोल आ गया यूटीज का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक सिंगल हाई कोर्ट बन सकता है। बेरोबरी यूनियन वाला जो मसला है वो 9th अमेंडमेंट ऑफ 1960 का है। 10th में है दादरा नागर हवेली, गोवा और दमन एंड दीव दो चीजें हैं, तो 12। पुडुचेरी में 4 इलाके आते हैं तो 14। 10वां है 61, 12-14 है 62, ठीक है। 13th भी 62 ही रहेगा बिकॉज 12 और 14 62 है। 13th के अंदर नागालैंड को एक राज्य घोषित करा गया है, 14th पुडुचेरी वाला हो गया, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 15th है 1963 का, जो जजेस से एसोसिएटेड है। जजेस से एसोसिएटेड बहुत सारी बातें करी गई हैं, स्पेशली हाई कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के जो जज हैं वो रिट इशू कर सकते हैं ऐसे इंसान को जो कि उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, अगर वो जो मसला है वो उनके जुरिस्डिक्शन से एसोसिएटेड है। उनके रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 से 62 करी गई है। रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जज बनने का अधिकार मिला है, ये आप ध्यान रखेंगे। और 21st अमेंडमेंट ऑफ 1967 में सिंधी को ऐड करा गया 15वीं भाषा बनाकर 8वीं अनुसूची के अंदर। 22वें अमेंडमेंट, 22nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1969 में मेघालय को बनाया गया है। 27th अमेंडमेंट ऑफ 1971 के तहत अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की जो यूटी है उससे एसोसिएटेड कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं, ये जाने दीजिए। ये भी बता चुका हूं, जबरदस्ती बार बार क्या सेम बात बोले। सिक्किम को एक राज्य बनाया गया, 36th अमेंडमेंट ऑफ 1975, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिक्किम वाला, ध्यान रखिएगा। 36th अमेंडमेंट ऑफ 1975 में सिक्किम को स्टेट बनाया गया था। 37th में अरुणाचल प्रदेश की यूटी से जुड़ा मसला है। 38th में 1975 का समय आ चुका है, 38 के अंदर क्या करा है, प्रेसिडेंट जो चाहे कर सकते हैं, साथ में प्रेसिडेंट चाहे तो मल्टीपल ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकते हैं और वो जो भी चीजें हैं वो सब नॉन जस्टिसिएबल है। 39th ऑफ 1975 के अंदर वो बात करी गई कि कोई भी मसले होंगे अगर प्रेसिडेंट, वीपी, स्पीकर या पीएम से एसोसिएटेड, तो जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती, पार्लियामेंट में कमेटी बनेगी और वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। ऐसा कमेटी वाली बात नहीं लिखी बट इनडायरेक्टली वो इसका मीनिंग है। 42nd अमेंडमेंट 1976, पार्ट 4 ऐड करा, पार्ट 14 ने ऐड करा, साथ में सीट्स को फिक्स करा, 3 नए वार्ड्स ऐड करें, जो प्रेसिडेंट करेंगे कैबिनेट के एडवाइस से करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की या जनरली कोर्ट्स की बहुत सारी पावर्स को छीना गया, एंटी नेशनल एक्टिविटीज को फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा गया, लोकसभा की ड्यूरेशन और स्टेट लेजिस्लेचर की जुड़ी जो ड्यूरेशन है 5 से 6 साल करी गई, ध्यान रखेंगे। उसके बाद DPSP 3 नए करे गए, उसके अलावा नेशनल इमरजेंसी जो है वो एक छोटे से एरिया में भी डिक्लेयर हो सकती है, ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसे जाने दीजिए। कोरम वाले कॉन्सेप्ट को हटाया गया
और 43rd आ गया जी बातों को उल्टा करने। इसके अंदर के एंटी नेशनल एक्टिविटी की जो स्पेशल पावर थी उसे वापसी ले लिया गया, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रिट्स इशू करने की पावर थी उसे वापसी दिया गया। 44th अमेंडमेंट में जो 1978 में आया था, 6 से 5 साल करा गया ड्यूरेशन को, कोरम वाले को रिस्टोर करा गया, और प्रेजिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ कैबिनेट। प्रेजिडेंट एक बार चाहे तो चीज़ों को वापसी भेज सकते हैं, बट अगर वो दोबारा आ जाता है तो प्रेजिडेंट को उस पर बात माननी ही पड़ेगी। नमस्ते जी। उसके अलावा ये सब आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये सब आपके नोट्स में लिखा है, इसे जाने देते हैं। ये सारी बातें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। 48th जो है वो 84 से एसोसिएटेड है, जो पंजाब के अंदर जो प्रेजिडेंट रूल एक्सटेंड करा गया था उससे जुड़ा है। और उसके अलावा दोस्तों 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 जो है वो 10वीं अनुसूची को ऐड करता है। इसके अलावा इन दोनों को जाने देते हैं। 61st अमेंडमेंट ऑफ 1989 जो है इसने वोटिंग एज कम करी, 21 से 18 साल करी। 69th अमेंडमेंट ऑफ 1991 जो है ये जुड़ा है दिल्ली से, दिल्ली के अंदर 70 सीटें होंगी विधानसभा में और 7 टोटल मिनिस्टर्स होंगे, दिल्ली का नाम हो जाएगा NCT ऑफ दिल्ली, इसे जाने तो कोई बात नहीं। 71st आपको पता है 1992 में आया है, और ये जो है 3 भाषाओं को ऐड करता है। 73rd जो है, 74th जो है, ये दोनों जुड़े हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी रिस्पेक्टिवली, से ध्यान रखेंगे। 84 जो है, 87th, ये दोनों एक जैसे से हैं। 84th क्योंकि 2001 में आया था तो इसमें सेंसस उठाया था 91 वाला। 83rd सॉरी 87th जो है 2003 वाला, इसमें सेंसस उठाया था 2001 वाला। 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002, ये एजुकेशन वाले मसले से है पूरा जुड़ा हुआ, तीनों आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003 जो है ये वो 15% होंगे टोटल मिनिस्टर्स, उससे जुड़ा है, ध्यान रखेंगे। और 92nd जो आया है 2003 में, ये जुड़ा है बाकी 4 भाषाओं से, टोटल भाषाएं हो गई 22, ध्यान रखेंगे। 2009 में 95th आया था, जिसने एंग्लो इंडियंस और SC ST की जो सीट्स हैं उन्हें एक्सटेंड करा गया था 10 साल के लिए। अब वो हटी हैं कौन से ही आपको आने वाली क्लास में बताया जाएगा। 96th जो है 2011 में आया, इसने उड़िया को उड़िया बनाया है। 97th जो है दोस्तों, इसने कॉपरेटिव सोसाइटी से जुड़े कुछ काम करे हैं, और इसने पार्ट 9B को ऐड करा है। ये 100, 101, 102 ये सब चीज़ें आपको आने वाली क्लास में पढ़ाई जाएंगी, चिंता ना करें। इसके आगे का जो है सब पोर्शन आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। क्या आपको इस क्लास में सीखने को मिला? आई होप सीखने को मिला होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं एक क्लास कंक्लूड करता हूँ, फॉर रिकॉर्ड बता देता हूँ बस। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। प्लीज मेक श्योर इसके नोट्स जल्दी से जल्दी पूरे करिए अगर आपको नोट्स बनाने हैं। इन एनी केस ये सब आपको कल रात 12 बजे तक याद होना चाहिए, अगर आप इसे याद नहीं करेंगे तो आपको फिर ये याद नहीं हो पाएगा क्योंकि डेटा काफी ज्यादा भारी है, ठीक है। और सच में दिल खुश है क्योंकि आप लोगों ने ईमानदारी से एफर्ट करा है। देखिए मेरे अकेले के एफर्ट करने से कुछ नहीं होता, जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप सिंसेरिटी नहीं दिखाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज आपका पेपर है ना, आपकी लाइफ है। मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना, और आपका काम है उस गाइडेंस को अपनाकर विश्वास करके चीजों को आगे लेके चलना। तो अच्छी बात है, ये पूरी क्लास आपने ईमानदारी से लगाई है। और मैं ये भी देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो पहले भी ये कोर्स को लगा चुके हैं, वो रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू पे क्लास को लगा रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है। उन्हें भी ये चीज का एहसास है कि ये टॉपिक इतना मुश्किल है कि शायद एक बार में तैयार नहीं होगा, तो इसी बहाने चलो रिवाइज ही कर लेते हैं। तो ये भी एक स्मार्ट मूव है, रिविजन हो जाता है। और एजुकेटर जब चीजों को बोलता है ना, तो अपने रिविजन से बेटर याद होता है। बिकॉज क्या होता है, वो बोलते समय कभी टोन हाई, कभी टोन लो, कभी वो पर्टिकुलर चीज को मार्क करेगा, कभी वो रिपीट करेगा। तो वो देखिए अब हमारा काम है, तो हमें पता है कैसे क्या बोलना है, कब रुकना है, कब टोन ऊपर, कब टोन नीचे करनी है, जिससे कि आपके दिमाग में जाए। तो अच्छी बात है, आप उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ख्याल रखिए अपना, ऑल दी बेस्ट आप सबको आने वाली एग्जाम्स के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सबसे आने वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ख्याल रखिए अपना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। निधि जी मैं देखता हूँ अगर इससे जुड़े क्वेश्चन कुछ मुझे मिलते हैं तो मैं ये वाला टॉपिक भी आपके लिए ऐड कर दूंगा, चिंता ना करें। दो डाउट्स हैं बस, वो मैं देख रहा हूँ। देखिए आशीष जी, सीधा बोल रहा हूँ, कोर्स जीके का कंप्लीट नहीं है, ईमानदारी से कोर्स को लगाइए। आपके लिए हर चीज का कोर्स अवेलेबल है प्रतियोगिता मंत्रा पे। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहें तो हर कोर्स को ईमानदारी से लगाइए, उसके नोट्स बनाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। समय लगेगा, कुछ महीने लग सकते हैं, बट और कोई शॉर्टकट मेरे पास तो एटलीस्ट नहीं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखे अपना, मिलते हैं आप सबसे आने वाली क्लास में। 95th श्याम रिपीट कर रहा हूँ। देखिए हर 10 साल बाद जो SC ST हैं उनका जो रिजर्वेशन है लोकसभा में, उसे एक्सटेंड करा जाता है, ठीक है जी। ऐसी एंग्लो इंडियंस का तो वो चीज हर 10 साल में बढ़ाई जाती है। 2009 में बस उसे बढ़ाया गया था और 2020 तक करा गया था। 2020 में एक और अमेंडमेंट आया जिसने एंग्लो इंडियन की सीटों को लोकसभा से खत्म कर दिया, SC ST का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे चालू रखा, ठीक है जी। रिया जी इसका आंसर बेटा मैं आपको आने वाले दिनों में दे पाऊंगा, अभी थोड़ा इंटरफेस एसोसिएटेड जो इश्यूज चल रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ये सॉर्ट हो जाए, उसके हिसाब से मैं आपके लिए कोर्स लेके आऊँ। होपफुली मैं आपको जल्दी ही जो भी नया मेरा कोर्स आने उसका मैं अपडेट दे दूंगा, ठीक है। देखिए शिवाजी एक तरीका तो ये है, अगर आपको कहीं सॉफ्ट कॉपी मतलब पैसा 1 रुपया भी नहीं लगाना है, कहीं आपको एम लक्ष्मीकांती ऐसी कोई किताब मिल जाए तो वहां से आप कर सकते हो, वरना इंटरनेट पे लिखो बस वहां से कर लो,
हो सकता है यूपीएससी कैटेगरी में किसी एजुकेटर ने ये सब चीजें करा रखी हो, बिकॉज वहां पर ये चीजें थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है। तो आप एक काम कर सकते हो, यूपीएससी में जाकर जो यूपीएससी कैटेगरी है हमारी अनअकैडमी की, वहां पर आप देख सकते हो अगर किसी ने टॉपिक्स करा रखे हैं तो। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नेहा जी, सब चीज़ों पे ऑलरेडी काम चल रहा है, मैं खुश हूँ, आप लोगों को फिक्र है और आप अपडेट मुझे देते रहते, बिकॉज हमें क्या ही पता क्या हो रहा है, और चीज़ों पे ऑलरेडी काम चल रहा है, एंड जैसे ही मुझे उम्मीद है चीज़ें एकदम होमोजेनियस हो जाएंगी सब चीज़।